और वहीं बस्ती में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद से स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में आ गई हैं। एक गर्भवती महिला ने ठेले पर बच्चे को जन्म दिया है लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजनों का कहना है कि उन्होंने एम्बुलेंस का घंटों तक इंतजार किया लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई। जब वो गर्भवती महिला को ठेले पर लेकर अस्पताल की तरफ चले तो महिला ने रास्ते में ठेले पर ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद परिजन जैसे ही महिला और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां पर कई एम्बुलेंस खड़ी थी। परिजनों के पूछे जाने पर एम्बुलेंस चालक ने बताया कि गाड़ी में तेल नहीं था जिस कारण एम्बुलेंस नहीं लेकर आए। पूरा मामला कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है जो कि लगातार समय सवालों के घेरे में भी आया हुआ है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही की तस्वीरें हैं। ठेले पर बच्चे को जन्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो गर्भवती महिला को ठेले पर रखकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और वहां पर जाकर देखा तो कई एम्बुलेंस पहले से खड़ी हुई थी। जब चालक से पूछा गया कि क्यों नहीं आए तो उसके बाद चालक ने ये बात कही कि एम्बुलेंस में तेल नहीं था इसीलिए एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, मरीजों का इतना बुरा हाल है लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है। जब सवाल किया जाता है एम्बुलेंस चालक से तो पता चलता है कि एम्बुलेंस में तेल नहीं था। एम्बुलेंस का घंटों इंतजार किया जाता है, उसके बाद मरीज को ठेले पर ले जाने को विवश हो जाते हैं उसके परिजन और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग बहाने बताए जा रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी में नहीं था, ये एम्बुलेंस चालक का कहना है और यही वजह है कि मरीज को ठेले पर लेकर जाना पड़ा। ये हालात हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है जो कि सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। ये मामला वो हमारी साली है और साली है लड़के के बारे में बात था और उसके बाद में वहाँ पे फोन किए, उससे पहले आधा घंटा एक घंटा पहले फ़ोन किए तो वो एम्बुलेंस वाले बोले आ रहे हैं, नहीं आए तो लड़का रास्ते में पैदा हुआ। उसके बाद में मैं ठेला पे लेके कप्तानगंज आए तो वहाँ पे सब गाड़ी खड़ी थी। सुबह में पता किए, बोला तीन गाड़ी में तेले नहीं, एक गाड़ी है, उसके बाद में उसमें इमरजेंसी में गया था। वो जो गाड़ी चलाता है, हाँ एम्बुलेंस वाला जो चलाता है, वही बोला उसमें तेल नहीं है, तीन गाड़ी में एक गाड़ी बची थी, इमरजेंसी में हो गया था बस्ती। सीएचसी कप्तानगंज का रत्नेश्वर मिश्रा संवाददाता इस समय बस्ती से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रत्नेश्वर, ये जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, एक ठेले पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, क्या पता चल पा रहा है इसके बारे में? जिस तरह से योगी सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कटिबद्ध है और वही जहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बृजेश पाठक लगातार हॉस्पिटलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, लेकिन बस्ती जिले की एक ऐसी तस्वीर संसार करने वाली आई है। वहाँ एम्बुलेंस परिजन जो परिजन है वो एम्बुलेंस के लिए लगातार फोन करते रहे लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और वो खुद मजबूरन पीड़िता को प्रसूता को लेकर ठेले पे पहुंचे जहाँ ठेले जो रास्ते में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बस्ती जिले के अधिकारियों की ये शिथिलता बरती जा रही है, ये लापरवाही है और इसपे जब इसपे जहाँ कहीं ना कहीं इसपे पूरी तरह अधिकारी की लापरवाही देखी जा रही है। जी रत्नेश्वर, चालक से पूछा गया तो उसने कहा कि एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था इस वजह से वो नहीं जा पाया, ये उसका सही जवाब था कि या फिर बहानेबाजी बनाई जा रही थी? जी परिजन, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, परिजन ने बताया कि जब प्रसूता को लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो देखे वहां आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी है और तस्वीर में साफ देखा जाता है कि अस्पताल में आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी है। और जब परिजन इसका सवाल किया कि एम्बुलेंस क्यों नहीं भेजी तो चालक ने कहा कि इसमें डीजल नहीं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही है और जब इस मामले को लेकर डीएम से बातचीत की गई तो डीएम ने इस पे सख्त जांच के आदेश दिए हैं और जो दोषी पाए गए उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। रत्नेश्वर, अभी तक सिर्फ और सिर्फ आदेश दिए गए हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग पर उस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही है ये मरीजों के प्रति? जी कहीं जिस प्रकार से तस्वीर देखी जा रही है पूरे बस्ती जिले का शर्मसार करने वाली है। जिस तरह से एक प्रसूता तड़पती तड़पती रह गई और एम्बुलेंस नहीं पहुंची और वह ठेले पे ही बच्चे को जन्म दे दिया, कहीं ना कहीं यह बस्ती जिले की शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और जब इस मामले को डीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच करके जो इस पे दोषी पाए जाएंगे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बहुत शुक्रिया रत्नेश्वर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं।